जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे। रे, रे। बहुत खूबसूरत नाम है रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है। आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है इसे? जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख, उसकी पीली चमक होती है। बंबाल श्री, इसकी तो सांसें रुक रही है, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिलसा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था, अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बंबाल श्री? नहीं, इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिलसा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। बीस साल पहले क्या हुआ था उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीरलोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूँ, डुबा डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊँ? मैं वो, अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीरलोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप ग्रह, वहाँ पर वीरलोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप ग्रह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। अरे डुबा डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। अंदर किताब, बालवीर का इतिहास, ठीक है चले। हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इंपोर्टेड है भाई, दूर क्या कर रहे हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल, आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कर रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैराशूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नहने के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री, इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलामत दो, अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए मिस्टर जी, जाने दीजिए हम ये। और आप भी खड़े बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी। बामबालश्री, ये कुआं, इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिलसा सब्र, मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूँ मैं। ये है उनका चारा। मिलसा, जब मैं इशारा करूँ तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। याद रखना मिलसा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बम्बालश्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिलसा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। आ गए हम बालवीर, ये देखो वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। डुबा डुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त? तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर, मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबा डुबा, इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा। ओके, लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर चले वापस, अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहाँ पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कोना। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, चलते हैं ना बालवीर। अरे डुबाडुबा, इसमें घबराने की क्या बात, शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना ये तो अच्छी बात है ना? और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ फिर सही है। लेकिन डुबाडुबा एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे है मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? ये देखो बालवीर, इसके हर पन्ने पर एक वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल।
सब के फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। उन्नीस और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। मुंह खोलो रे। इस फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो उठा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बंबाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया? ये कैसे हो सकता है? इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बताकर आता हूँ। कोई हमारा इतिहास बता रहा है, तुम रुक जाइए, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा 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 अब सोचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है, तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबड़ 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 दबड़। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, नहीं, मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। दबड़ 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 दबड़। हाँ तो डुबा डुबा मुझसे प्रॉमिस करो, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ओके? किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है। बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बन जाए कंपलसरी। मैं पीछे कैसे चले गए? क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ
क्या हो रहा है? ए, हाय हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? इधर भूत वूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बापा मोरे, गणपति बापा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, हाँ, ये क्या कर रहे हो ऐसे ब्रॉड डेलाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना। आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ, ओके? हटा दिया। विवान, हाँ? तू अभी तक बाहर खेल रहा है, जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो? क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट्स का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी, देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी, पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था? शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखाकर ही बेचती है। ओ, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिलसा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी, लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करना होगा। लेकिन बंबाल श्री, अमृत के असर से उसके जिस्म में फैला कवक का जहर तो उतर जाना चाहिए था ना? कवक का असर बहुत खतरनाक होता है मिलसा, अमृत कुंड के अमृत से उसका असर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रे के शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें उसके शरीर में एक महाताकतवर का खून डालना होगा। तो हम इस महाताकतवर को कहां ढूंढेंगे? सब्र मिलसा, सब्र। इस काम के लिए मैंने पहले ही अपने एक सिपाही को धरती लोक पर भेजा है। क्या खबर है प्रेक्षक? बंबाल श्री, वो प्रेक्षक तो अपना भी मारा गया। आप हंस रहे हैं? जरा सोचो मिलसा, जिसने प्रेक्षक का ये हाल किया वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन अब जरा ये भी सोचो,
अगर उस महाताकतवर का खून हमने रे के शरीर में डाल दिया तो इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब रे बनेगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार। हाँ मिल्सा, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि धरती तक जाने के लिए जो खुफिया रास्ता मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था वो तैयार है? बंबाल श्री, आपके किसी भी हुक्म को पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाती। वो खुफिया रास्ता तैयार है। बस अब धरती पर उस महा खतरनाक का खून मिल जाए, उसके बाद रे के साथ मिलकर इस दुनिया पर मैं करूंगा राज। ये लीजिए डॉक्टर लीसा, ये फ्रूट्स हैं और कैंटीन के लिए जो भी सामान चाहिए था ना वो भी आ गया। ओह दैट्स ग्रेट। अब पर डॉक्टर लीसा, ये आइसोलेशन वार्ड इतना खाली क्यों पड़ा है? अरे यहाँ तो पूरा क्वारंटाइन सेंटर ही सिक पड़ा है, आइसोलेशन वार्ड में कौन आएगा अनन्या? आपका मतलब क्या है डॉक्टर लीसा? हमने कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर खोला है और पता है टैप में एक बूंद पानी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है कभी आती है। अरे नहीं, आती ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ 2 वीक का आइसोलेशन पूरा करने आ रहे हैं या काला पानी की सजा काटने आ रहे हैं। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, पर आप इतनी सीरियस बात इतना हंस के क्यों बता रही हैं? लाफ्टर इज अ बिग मेडिसिन। अरे हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दवा है। पर अगर कोई जरूरत से ज्यादा हंसता है ना तो उसे खुद दवाई खानी पड़ती है। ठीक है मैं चलती हूँ। आंटी अब मुझे समझ में आया कि कॉलेज मैनेजमेंट ने हमें ये बिल्डिंग इतनी आसानी से कैसे दे दी। उन्होंने सोचा होगा हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर चलाएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की प्रॉब्लम है वो भी हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ नन्या, कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल आने वाले हैं, उनके साथ मिलके हम लोग सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ आंटी राइट। विवान ने कहा था देबू क्वारंटाइन सेंटर में ही है, लेकिन वो तो कहीं देखा नहीं, कहाँ है? मैंने सोचा था वीर लोक की इतिहास पुस्तक पढ़कर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा असली मकसद क्या है, लेकिन उस इतिहास का 20 साल पहले का पन्ना खाली है, जैसे किसी ने उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। अब मुझे सच्चाई के बारे में कैसे पता चलेगा, किससे पूछूं कि मेरा इतिहास क्या है? माँ क्या सोच रहे हो बालवीर? तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य, मैं बस यही सोच रहा था शौर्य कि हम वीर लोग की दवाइयों से माँ का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन माँ अब तक ठीक क्यों नहीं हो रही है? तिमनासा ने जिस धातु फल से बने हथियार से बाल परी पर हमला किया था, अगर हम उस धातु फल से बाल परी का इलाज करें तो ये जल्दी ठीक हो सकती है। हाँ तो शौर्य, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं अभी काल लोक जाकर वो धातु फल ले आता। नहीं बालवीर, क्योंकि तिमनासा के अंत के बाद काल लोक एक वीराना बन चुका है जहां बहुत ही घातक ऊर्जा है, तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वहां की ऊर्जा तरंगों ने तुम्हें छू भी लिया तो तुम राख हो जाओगे बालवीर, और वहां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी जानलेवा हो सकता है। नहीं शौर, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पता है बालवीर, लेकिन तुम ये मत भूलो कि एक नई बुराई ने अपना सिर उठा लिया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विवान अकेले उस बुराई का सामना शायद नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने के बारे में सोच रहे हो बालवीर? अब सॉरी, देबू घर में भी नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया है मेरा बेटा? अब नहीं सॉरी,
मैं आपके आदेश को कैसे नकार सकता हूँ? मैं तो धरती से करुणा जी की आवाज सुन रहा था। वो दरअसल देवू को बहुत समय से मिली नहीं, इसलिए परेशान हो रही है। मुझे जल्दी धरती लोक पर जाना होगा। कहाँ है देवू? आंटी ये देखिए, ये तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। आप फालतू में बेचैन हो रही थी देबू? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम घर पे जाके सो जाओ ना बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा कर लिया था, इसलिए दो मिनट के लिए आराम करने बैठ गया। पता ही नहीं चला कब लग गई। हेलो, हाँ शुक्ला जी। हाँ आपका टिफिन मैं अभी पहुंचाती हूँ। बस वो क्या है ना, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा बिजी हो गई थी। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंचाती हूँ। हाँ हाँ ओके। अनन्या, मुझे शुक्ला जी को फौरन टिफिन पहुंचाना पड़ेगा। तुम एक काम करना, तुम यहाँ के मैनेजमेंट से ना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लेना। हाँ आंटी ठीक है, इस टाइम तक आई थिंक प्रिंसिपल और डीन भी आ गए होंगे, तो मैं बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, याद से। हाँ हाँ आंटी, ओ हेलो। हेलो, तुम ऐसे यहाँ सोते रहोगे या चलोगे मेरे साथ मैनेजमेंट से बात करने? आई थिंक आई विल गो विद ऑप्शन ए, यहाँ पे सोता रहूंगा। इस जवाब को लॉक कर दिया जाए और चाबी विंडो से बाहर फेंक दी जाए। गुड नाइट। अब मैं अपनी हेल्प करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, इस क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ। क्या अनु, तुम डॉक्टर हो क्या कि तुम पेशेंट्स की हेल्प करोगी? कुछ भी बोलती हो। अरे तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इसीलिए उबासिया बाद में लेना मिस्टर, पहले चलो मेरे साथ। अरे 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 सुनो, ये सोने की एक्टिंग करना बंद करो। ये देखो प्रिंसिपल का ऑफिस भी आ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो बिना ब्रेक के? अरे यार वो तुम्हें देखकर मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप वॉकिंग बाद में कर लेना, अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार मुझे, अरे अरे एक्सक्यूज मी मैम। मैम, क्या आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल है? नो, आई एम द डीन। ही इज द प्रिंसिपल। ये रहा धरती तक पहुंचने का खुफिया रास्ता। अभी प्रिंसिपल को ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार वो मुझे, अरे एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो प्रोफेसर अगाड़ी। हेलो डीन, सॉरी मैम आपका नाम? डीन मिल, मलिश्का। हेलो सर, हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। Well, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ बट आप तो इस 21st सेंचुरी की यंग जनरेशन हो सो। हाँ सर,
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के ही क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते। प्रोफेसर अगाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते। एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, आफ्टर ऑल वी आर गुड पीपल, और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। सब सॉल्व कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा। थोड़ी स्ट्रेंज थे ना ये प्रिंसिपल सर और डीन, कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं हो, तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो, खुद ही बोल करती हो, मेरा माइंड हैंग हो जाता है। What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो। लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ वो भी है। यू ओके बाय। किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डफल का। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है, लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया। और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा, तुम बस देखती रहो मिलसा, अपना सपना तबाही तबाही। बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिलसा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं। वाह बम्बाल श्री वाह, इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं। चलो पीछा छूटा अनन्या से। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं। मेरी हिंसक सेनापति मिलसा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे तो बहुत देर हो सकती है, इसलिए मैंने एक योजना बनाई है, और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। काललोक? लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिलसा। जी बम्बाल श्री। इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं, तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिकाई।
कीजिए बंबाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूँ। अब काल लोग जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा। अब काल लोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा और हो सकता है कि तिम्नासा की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए। यहां काल लोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहां से निकलना होगा। बस एक बार मां ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है क्योंकि काल लोग तो खुद यहां पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। Excuse me, madam. ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई। Come on, now seal the deal. So अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड। तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिम्नासा का एंड हुआ है तब से तो उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। आई मीन वो मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, बट ये कैसी फ्रेंडशिप निभा रहा है वो? काम खत्म हो गया तो मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने। देखो बेटा, इतनी जल्दी किसी के लिए भी कोई भी राय बनाना सही बात नहीं होता। हो सकता है कि वो इजी हो। बिजी मॉम। वही वही। देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने उसका केस, मेरा मतलब है उसका फेस देख लिया इसलिए वो हिचकिचा रहा हो यहाँ आने से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बोर हो गया और मुझसे मिलना ही ना चाहता। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम दो उसे, वो जरूर आएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से हैप्पी हो जाओ। गुड गर्ल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, नकाबपोश मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? आई मीन आई नो सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए, बट 6 फीट के डिस्टेंस से तो वो मुझसे बात कर ही सकता है ना। नो 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 नो, अब मैं तब तक उसे बुलाती रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। वो धातु फल उस गुफा के आसपास ही कहीं पर होगा।
शौर्य ने मुझे कहा था कि तिमनासा के मरने के बाद काल लोक में काली ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद इन घातक किरणों से बचते हुए धातु फल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि काल लोक जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए। नकाबपोश, नकाबपोश, वेयर आर यू नकाबपोश? फ्रेंड बोलते हो ना मुझे अपना, लेकिन इतना बैड बिहेवियर कर रहे हो जितना एनिमीज भी नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब तुम सीधा सीधा मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेल्प नकाबपोश, प्लीज प्लीज नकाबपोश, प्लीज बचा लो प्लीज। तो अनन्या की आवाज, लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं लग रही, इसका मतलब वो नाटक कर रही है नकाबपोश से मिलने के लिए। अभी मेरे पास ये सब के लिए समय नहीं। धरती पे जब भी मुझे शिंकाई की याद आएगी तो इस एक्वेरियम को निहार कर मैं अपना मन बहला लूंगी। मिल्सा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी पंबालश्री, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको वो मिला जिसे आप खोजने काल लोक गए थे? अभी तक तो नहीं मिलसा, यहाँ काल लोक में तो वीराना छाया हुआ है, एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। हाँ, रोशनी की तरंगे नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काल लोक की पहरेदारी कर रही हैं। तो बंबाल श्री, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है। वही तो पता करना है मिलसा, काल लोक की बुरी शक्ति उस महा ताकतवर तक मुझे कैसे पहुंचाएगी। किसी बुरी शक्ति के आसपास होने का मुझे आभास क्यों हो रहा है? यहाँ काल लोक में तो सन्नाटा छाया हुआ है, अच्छाई का कोई भी दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। हुआ क्या है यहाँ? जरूर कोई है, कहीं ये वही बुरी शक्ति तो नहीं जिसके बारे में शौर्य को आभास हुआ था? शक्ति जरूर है यहाँ आसपास। लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसका काल लोक से कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं अपने मकसद से भटक रहा हूँ। शौर्य के अनुसार तिमनासा के अंत के बाद काल लोक की काली ऊर्जा और घातक हो गई है, इसलिए मुझे जल्द ही धातु फल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मेरे अलावा इस काल लोक में कौन है ये जानने का बस एक ही तरीका है।
की आवाज है? इस शंख की आवाज अब पूरे काललोक में गूंज चुकी है। ये आवाज काललोक के सारे बुरे प्राणियों को मेरे पास खींच कर ले आएगी। तो दीदी, हमें स्टोन की हेल्प से क्वारंटीन सेंटर में भारत नगर से फूड पैकेट और एसेंशियल आइटम्स भी भेज सकेंगे। बट वाई विवान, क्वारंटीन सेंटर तो यही पास में ही है ना, भारत नगर के पीछे, तो फूड आइटम पहुंचाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दीदी थिंक, अब लोग आना शुरू होंगे, तब सेफ्टी के लिए हमें स्टोन की मदद से फूड पैकेट और बाकी सारे डेली नीड्स के आइटम भेजेंगे तो सेफ रहेगा, है ना? नाइस आइडिया विवान, अब मैं भी ट्राई करूँ एक बार। लेकिन विवान, तुम्हें इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए? आई मीन, ये ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा है ना? एक्चुअली क्या है ना नन्या दीदी, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि चिंटू ने उन्हें मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी है। शी इज वेरी एंग्री। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि आप माँ के सामने मेरी और मेरे इस आइडिया की इतनी तारीफ कीजिए कि माँ इंप्रेस हो जाए। ओके विवान, मैं करुणा आंटी के सामने तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगी, बट इन रिटर्न मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आस्क एनीथिंग दीदी। ओके, तो तुम्हें नकाबपोश को लोकेट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। डन। वैसे भी मुझे दोस्त से मिलना है, पिछले कुछ दिनों से तो वो गायब ही हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोशल बॉयकॉट फॉलो कर रहा है दोस्त। अनन्या दीदी, वो नहीं माँ, जल्दी जाइए। हाय करुणा आंटी। हेलो आंटी, एक्चुअली मैंने ना एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक फूड आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स भेज सकते हैं बिना वहां तक जाए। कैसे? रुकिए, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाती हूँ। मिल्सा, मैं काल लोक में इतनी देर से घूम रहा हूँ, अब तो मैं महल के नजदीक भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई जिंदा ही नहीं बचा है। एक काम करिए, काल लोक की थोड़ी सी मिट्टी आसपास छिड़क दीजिए। उस मिट्टी के सहारे मैं आपको ये बता सकूंगी कि काल लोक में क्या हुआ था। इसका मतलब कि काल लोक की महारानी और उसका सेनापति मारे जा चुके हैं। आप तुरंत काल लोक से बाहर चले आइए, खतरा मत उठाइए। खतरा उठाने वाले ही जीत का ताज भी उठाते हैं मिल्सा। यहाँ काल लोक में इस भयानक बुरी ऊर्जा में जो कोई भी आया है वो कोई महाताकतवर ही होगा। इससे पहले कि कोई और मुझसे बताए, मुझे वो धातु फल लेकर तुरंत वीर-लोक जाना चाहिए। उस महाताकतवर से मिलने का सुनहरा मौका छोड़कर मैं काल लोक से वापस नहीं लौटूंगा। यस, अब मैं इतनी इंप्रेस होगी कि नेक्स्ट वन मंथ तक मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगी। और आंटी, आपको पता है ये ब्रिलियंट आइडिया आपके ब्रिलियंट बेटे विवान का है। कहाँ है विवान? विवान, सॉरी, आई डोंट नो आंटी, विवान ने ऐसी क्या शरारत की है कि आप उससे गुस्सा है, बट वन थिंग आई अश्योर यू आंटी, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग बच्चा है। इनफैक्ट पूरे भारत नगर में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा, तो प्लीज आंटी उसे माफ कर दीजिए।
बोलो नहीं सुनो विवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अभी छोटा है बेटा, तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ानी चाहिए, समझा? आंटी सही कह रही है विवान, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अब नहीं करेगा ना कोई शरारत? नहीं करूंगा माँ, पक्का? पक्का। और चिंटू की भी कंप्लेन नहीं आएगी ना? चिंटू की भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बचाओ, कोई तो बचाओ, प्लीज हेल्प मम्मी, कोई तो बचाओ। चिंटू, 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 बाप रे, आंटी प्लीज हेल्प। पर क्या तुमने किया? अरे चिंटू, तूने किया है ना ये? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो उल्टा उसे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। विवान बदमाशी मत कर, नीचे उतारने से। अरे मम्मी वही तो ट्राई कर रहा हूँ। विवान मेरे में तेरा क्या बिगाड़ा यार, हर बार मुझे फ्री में एस्ट्रोनॉट बना देता है। लगता है ये रिमोट भी खराब हो गया। अगर उन आंटी प्लीज मुझे बचा लो, मेरी लाइफ कम होने वाली है, कोई तो बचाओ मम्मी। अरे चिंटू, अरे 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 चिंटू, आराम से, ये क्या क्या विवान? अरे अरे वही कर रहा हूँ, कोई तो बचाओ मम्मी। अरे चिंटू, अरे चिंटू, चिंटू आराम से, मैंने उसे नीचे उतारने को कहा था, पटकने को नहीं कहा था। मम्मी मैं उसे नीचे ही उतार रहा था, पता नहीं ये रिमोट ये पनिशमेंट के लायक है। अरे दीदी क्या लायक है? अरे नहीं, अरे रुको, अरे विवान इसी गुफा के अंदर होगा वो धातु फल जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तरंगे तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काल लोक आया था बुराई को साथ ले जाने, लेकिन अब मैं उस महा ताकतवर को ही साथ लेकर जाऊंगा। बुरी शक्तियां बुराई करने की धुन में इतनी अंधी होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता और आसानी से उन्हें चकमा दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो महाताकतवर काल लोक नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बधाई हो आपको बम्बाल श्री, बधाई हो। यही है वो धातु फल जिससे बने खंजर से तिमनासा ने मां पर हमला किया था, और अब इसी धातु फल से मां ठीक भी हो जाएगी। रुक तू, आ मम्मी, आज तो तू गया, आज तो तू गया, अरे बचे नहीं आंटी। हाँ विवान रुक, एक काम करता हूँ,
थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल कैबिन में ही छुप जाता हूँ। रुक विवान, विवान। प्रिंसिपल रूम। कितनी फनी सिचुएशन है, बदमाश बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में लाया जाता है और मैं खुद माँ के पनिशमेंट से बचने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में आ गया। स्वीट। अब मैं अगले एक दो घंटे तक यही रुकता हूँ, तब तक माँ के गुस्से का प्रेशर कुकर का प्रेशर जरूर खत्म हो जाएगा। बम्बालश्री, अचानक कोई आ गया है। कौन? पता नहीं बम्बालश्री, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे और रे को इस हालत में ना देख ले। धरती वालों को हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मिलसा, वो जो भी है उसे रोको और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान भी ले लो। नकापोश, नकापोश। भाग के पास ये धातु फल पहुंचाने से पहले अनन्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये महाताकतवर जो भी है मुझे इसका खून चाहिए, लेकिन पहले देखूं तो ये है कौन। कहां चला गया वो महाताकतवर? विवान, तू जहां भी छुपा है बाहर निकल। माँ, अरे यार माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगी। भाग विवान भाग, कहीं और जगह जाके चुप। बम्बालश्री, वो जो भी यहाँ आया था वो अब यहाँ से जा चुका है और आपको अब एक खुशी की खबर देनी है, रे को होश आ गया है। मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए स्वामी। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी। स्वामी, मैं भी देखती हूँ कि नकाबपोश मुझे कब तक इग्नोर करेगा। अलार्म क्लॉक की तरह तब तक उसके कान में बजती रहूंगी जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। नकाबपोश, 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 नकाबपोश। इतने लोगों के सामने तो नकाबपोश बनकर नहीं जा सकता और अनन्या को ये भी नहीं बता सकता कि देवो ही नकाबपोश है। लगता है कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नकाबपोश, नकाबपोश। अगर इतना याद गॉड को करती तो सेंट अनन्या बन जाती है। अनन्या बन जाती है। नकाबपोश, अरे अरे सुनो, इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? सीधे सीधे अपना फेस दिखाओ ना। क्योंकि मुझे
गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता अनन्या। गुड बाय? What do you mean? यहाँ धरती लोक पर मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे दूसरे ग्रहों पर जाकर बुराई को मिटाना है। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉरएवर। अरे पर सुनो, अरे रुको, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप तोड़ के कौन जाता है? रुको, अरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है बामबाल श्री कि रे ने मुझे छुपने का इशारा दिया। अभी इसे कवक के अंडे से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए, जरा देखो कितना बदलाव आया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है बामबाल श्री कि ये बहुत जल्द 20 साल के नौजवान की तरह समझदार और ताकतवर बन जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? ये किस नमूने को लेकर आया है बामबाल श्री काल लोक से? ये जो भी है इसे बुराई की खुशबू बहुत पसंद है। और जिसे बुराई पसंद है वो मुझे पसंद है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? ये काल लोक का प्राणी हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएगा। खैर वो सब बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम मुझे ये बताओ वो यंत्र तैयार है क्या? जी बामबाल श्री, वो भाषा सिखाने वाला यंत्र तैयार है। अब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हम जबान चुरा सकें। अरे नकाबपोश रुको, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। रुको, ये लड़की तो च्युइंगम की तरह चिपक गई, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। What's going on bro? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? मैं जा रहा हूं। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। क्या? मुझे जाने दो। We'll be right back.
What's up, Mr. B? इक्कीसवीं सदी की भाषा, मुबारक हो रे, वेलकम. चिल मिस्टर बी, 20 इयर्स तक फंगस कैग में रहा, अब थोड़ी खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए. ये कहां जा रहा है बम्बाल श्री? जाने दो इसे मिलसा, इसे कुछ वक्त नई दुनिया में बिताने दो. ये जितना वक्त बाहर की दुनिया में बिताएगा उतना ही उसका दिमाग नई चीजें सीखेगा. आहा. नकाबपोश?